तो अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटी फैमिली। अब जी आफ्टर परफॉर्मेंस द नमाज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बड़ा सुकून मिलता है जब आप सुबह सुबह फजर की नमाज़ पढ़ते हो ना, इतना कोई दिल में ना मतलब सुकून आ जाता है। अच्छा अभी हम बना रहे हैं नाश्ता और बच्चों के लंच में क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो जो भी लंच होगा वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मैं बना रही हूँ पराठे और साथ में हमारी ये ब्रेड। तो ऑब्वियसली दोपहर में लंच करने के बाद बच्चे मेरे पास होते हैं, बहुत सारा टाइम वहाँ गुजारना पड़ता है बेचारों को, सो मस्ट बी मे मेक इट लाइक दिस। सो अभी मैं जल्दी से बना रही हूँ लंच, बच्चों का नाश्ता बनाते हैं, चाय रखते हैं, पराठा बनाऊँगी हस्बैंड के लिए क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने ब्रेकफास्ट करने के अलावा घर पर हैं वो भी होंगी साथ में पापा के, तो दो पराठे बना लेंगे और मैं और बलाश को जो है ना 1 पीस ऑफ ब्रेड भी खा के चले जाते हैं, तो इट्स ओके, वो मुझे और उसको बहुत पसंद। सो हम बनाएंगे फ्रेंच टोस्ट, तो हम फ्रेंच टोस्ट बना दें विद 2 eggs, यू नो। चले स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट मेकिंग ब्रेकफास्ट एंड लंच, और डू लाइक माई चैनल एंड माई वीडियोज एंड विद फ्रेंड एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल, ओके। सो यहाँ पर ना पराठे बन गए और अब हम फ्रेंच टोस्ट बनाना स्टार्ट करेंगे और चाय जो है ना वो ऑलमोस्ट रेडी होने वाली, ठीक है। सो यहाँ पर हमने फ्रेंच टोस्ट बनाना स्टार्ट कर दिया बच्चों के लिए, देख रहे हैं आप किस तरह के लोग बनती वो भी मैं आपके साथ शेयर करवाऊँगी ये बाद में। फिर से और फिर हम थोड़ा रेस्ट फरमाया और उसके बाद हम अब किचन में आ चुके हैं और अभी हमें बनाना है। मैं सिंपल से आलू अंडे बना रही हूँ क्योंकि और मूड नहीं कुछ भी पकाने का और जल्दी से झटपट से बन जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग आलू अंडे का सालन। बहुत दिनों में बहुत कुछ बनाने के बाद इंसान की जो है ना एक्चुअल अपनी हिम्मत डाउन हो जाती है, उसके बाद उसका कुछ पकाने को दिल नहीं चाहता, तो मेरा ये वाला आजकल का हाल चल रहा है। सो स्टार्ट करते हैं, और वैसे भी सर्दी आ गई है आज जो है ना, अभी थोड़ी देर पहले इतनी तेज़ हवा चल रही थी, सो मैंने खैर अभी झाड़ू वगैरह लगाया है तो, लेकिन ये देख रहे हैं कि जगह जगह ना ये चीज़ें ही नज़र आएँगी आपको। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अपना खाना। तो यहाँ पर मैंने प्याज के अंदर हरी मिर्च ऐड करके डाली और बस थोड़ा सा सौते करने के बाद ही ना सारे मैंने जो है ना आलू कट करके डाल दिए और ऐसे आलू अंडे बना रहे हैं हम। 2 अदद में अंडे डालूंगी, ठीक है, और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा सालन बनेगा। और विदाउट एडिंग टमाटर हमने इसमें सारे स्पाइस डालेंगे और फिर हम टमाटर ऐड करेंगे, ठीक है। जी यहाँ पर ये देखिए मैंने पानी का शेड इसको ढक दिया और ये अपनी भाप पे बन जाएंगे और बस फिर बाद में एंड में अंडे ऐड करेंगे। अंडा नहीं, मैंने जो है ना इसके अंदर ऐड कर दिया है एग। 14 नवंबर